नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिन हो या रात, हर वक्त आपके साथ, ईमानदार जुझारू, नेक दिल, लगनशील, कर्मठ, गरीबों के मसीहा गजराज सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9, चुनाव चिन्ह आरी पर मोहर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। जन जन की यही पुकार, रेशमा परवीन अब की बार, इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन, पत्नी मशकूर अब्बासी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 16, चुनाव चिन्ह केतली पर मोहर लगाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाया। कटरा के हुलास नगरा फाटक पर आज सुबह तड़के लगभग 6 बजे के आसपास फाटक बंद न होने के कारण बरेली की तरफ से आ रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन ने एक ट्रक, एक डीसीएम व 2 मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर। इस टक्कर में 4 लोगों की हुई मौके पर मौत, जबकि 5वें मृतक ने अस्पताल में तोड़ा दम। मृतकों की पहचान हुलास नगरा निवासी प्रेमपाल तेलहर के एक ही परिवार के 3 लोग, पति सिदाकत, पत्नी गुलिस्ता, बेटी हमजा व 5वें मृतक की पहचान सत्येंद्र के रूप में हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इतनी बड़ी घटना की सूचना के बाद रेलवे से लेकर डीएम एसपी के साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये एक्सीडेंट ट्रेन चालक की गलती से हुआ या फाटक कर्मचारी की गलती से, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। संवाददाता दिलदार खान की रिपोर्ट। हमने ये ठाना है क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है, सबका साथ सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर, वीर गतिशील समाजवादी लोहिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फेमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाया। जन जन की यही पुकार, इसरार चौहान अब की बार। इसरार चौहान प्रधान पद के उम्मीदवार, गांव आसिफाबाद चंदपुरा को किताब के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाए। पीलीभीत पूरनपुर देहात क्षेत्र से प्रधान पद की शिक्षित ईमानदार महिला प्रत्याशी निशा रिफाकत को चुनाव चिन्ह कैमरा पर मोहर लगाकर विजय बनाए। सर, ये आज क्या घटना हुई, किन कारणों से घटना हुई, इसका दोषी कौन है और कितने लोग मृत्यु हो गई? ये लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन थी जो बरेली की तरफ से आ रही थी और शाहजहाँपुर की तरफ जा रही थी। कटरा क्रॉसिंग के पास एक डीसीएम ट्रक, एक मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आ जाने के कारण एक परिवार के 5 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और एक व्यक्ति घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ट्रैक क्लियर कराया जा रहा है और ये घटना क्यों हुई इसके बारे में अभी रेलवे के अथॉरिटीज़ प्रारंभिक जांच करने के बाद बता पाएंगे। सिग्नल फेल हुआ है या कोई और प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है, लेकिन अभी मौके पर स्थिति सामान्य है और ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी घटना टल गई है, कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं है, केवल एक ट्रक में जो परिवार था और एक मोटरसाइकिल जो उसकी चपेट में आई है उसका दुखद निधन हुआ है और उनमें से 2 लोग उपचाररत थे जिसमें से उपचार के दौरान एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसको निकटतम अस्पताल में तुरंत पहुंचाया गया था, सिद्ध विनायक अस्पताल है बरेली में और मैं समझता हूं कि स्थिति अभी कंट्रोल में है और हम लोग इसको बहुत जल्दी ट्रैक को चालू करा देंगे। सर, ये फैमिली कहाँ की है? ये लोकल यहीं तिलहर की फैमिली है और एक लोकल कटरा। ये किस वाहन में थी जो फैमिली? ये डीसीएम था और एक मोटरसाइकिल थी, तो सवारियाँ जो थी मोटरसाइकिल में थी और डीसीएम से एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रक या डीसीएम जो था जिसपे मुझे लगता है उसमें हो सकता है कार कोई रहा हो, ड्राइवर या कोई और। जन जन की यही पुकार, हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।